हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी 10 हो गई थी। ये सब आपने कर ही लिया होगा, खूब प्रैक्टिस कर ली होगी। फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम अगर आती है इन वर्ड्स को बनाने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए फ्रेंड्स, उसके बाद में ग्रामर ब्लॉक्स तो मैंने बता दिया था, उसके बाद में देखते हैं ये आपका पंक्चुएशंस, इसमें किस तरीके से फुल स्टॉप और क्रॉस और ये डैश का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टेनो में जो फुल स्टॉप होता है, जैसे कि इंग्लिश हम लोग की जो लैंग्वेज है उसमें फुल स्टॉप ऐसे बनाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट हैंड जो है उसमें आपका फुल स्टॉप इस तरीके का बनेगा। जैसे कोई सेंटेंस खत्म होता है तो उसके बाद में फुल स्टॉप आपका यू ना बना के यू ऐसे बनाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है। और डैश फ्रेंड्स ऐसे यूज होता है, डैश यू ऐसे कर देंगे तो आपका ये डैश पढ़ लिया जाएगा। ये दोस्तों रिमेम्बर रखने वाली चीजें हैं, ये ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क और इंटोग्रेशन जो साइन होता है वो इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं, और लेकिन इसमें आपका यू करके यू ऐसे बनाएंगे, क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन का साइन है, एक्सप्लेनेशन में देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनता है इंग्लिश में, ऐसे नहीं बनाना है आपको। शॉर्ट हैंड लिखते समय आपको यू करके यू क्रॉस कर देना, उसके नीचे आपका ये एक्सप्लेनेशन साइन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में ये देखिए कैपिटल लेटर के लिए होता है, जैसे कि मंडे आ गया, कोई मतलब देश का नाम आ गया, अमेरिका आ गया, इंडिया आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि मंडे आपने यू लिखा, उसके बाद में आपने यू कर देंगे तो आपको इस साइन से ये रहेगा कि भाई ये हमारा कैपिटल में है, ठीक है। ये जो साइन होता है इसके नीचे ये कैपिटल दर्शाता है कि कैपिटल में आपका बनेगा। और फ्रेंड्स लास्ट में ये है आपका पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ जैसे कि चेंज होता है, चेंज करने के लिए आपका ये हल्का सा दो लाइन खींच दी जाएंगी तो आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरा पैराग्राफ चेंज है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट हैंड के पंक्चुएशंस हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।